हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर स्टेडियम चैनल। तो गाइस, आज जो दो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर इन दो स्टॉक्स में आपका पैसा फंसा हुआ है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो दो स्टॉक्स मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर आप आज नोटिस करा हो तो ये दोनों स्टॉक में आज कहीं ना कहीं बहुत ही भयंकर गिरावट आई है। और इस गिरावट में कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, कई लोग सोच रहे हैं इसमें पैसा हम दोबारा डालें कि ना डालें, कई नए इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब हम नया इसमें पैसे लगाएं कि ना लगाएं। तो ये सारी गलतफहमियां आपकी दूर करने के लिए मैं आया हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज का हमारा पहला स्टॉक, जिसका नाम है मनापुरम फाइनेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मनापुरम फाइनेंस का चार्ट है। इसमें आज एक न्यूज आई है, जो न्यूज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मनापुरम में गाइस, इनका एक आईपीओ आने वाला था, का आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, अगर आपने सुना हो, उसको सेबी ने हाल फिलहाल के लिए रोक दिया है। और कुछ बातें हैं जो मनापुरम से पूछना चाहेगा, और इस सब के पीछे जो भी वजह है उसके लिए मनापुरम का एक बारी जो इनका प्रमोटर है उनसे बातचीत हो जाए तो ज्यादा बेटर है। वो आज तो कल आपको न्यूज में दिखे जाएंगे। तो इस चक्कर में आज ये स्टॉक 7.5% के अराउंड गिरा था। लेकिन क्या ये 7.5% की गिरावट में एक बाइंग है या एक ये दोबारा सेल अपॉर्चुनिटी है, तो वही मैं आपको इस चार्ट में दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मनापुरम का चार्ट है, और इस चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे, ये स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था, नोटिस कर सकते हैं आप। और इसने 213 का हाई लगाया, और 213 हफ्ते हाई लगाने के बाद इसने 83 का लो लगाया। और 83 के लो के बाद अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, कम से कम 4 बारी सपोर्ट लिया है। और दोबारा यहाँ से इसने उठने की कोशिश करी, और आज इसने एक आज नहीं पहले इसने 180 के अराउंड एक और नया हाई लगा दिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यूज आई है, इस कैंडल पे न्यूज आई है, तो हो सकता है ये स्टॉक गिर जाए, थोड़ा बहुत गिर जाए, कोई बहुत बड़ी भयंकर गिरावट नहीं आ सकती स्टॉक के अंदर, जो मुझे लग रहा है। और अगर ये स्टॉक आपको 150 के आसपास मिल जाए, 150 140, तो मैं तो नए इन्वेस्टर को बोलूंगा इसमें पैसा उनको जरूर लगाना चाहिए। और 140 के नीचे अगर ये कंटिन्यू चलने लगे तो आपको अपना पैसा निकाल भी देना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर इसके टारगेट मुझे कम से कम 200 रुपए के दिखते हैं, जो आपको इजीली अचीव होते देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर को लेके बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आप जानते हैं कि ब्याज दर कम होगी तो इन सभी फाइनेंस सेक्टर को लाभ होगा। गोल्ड आप देख रहे हैं, जैसे गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, और मनापुरम का आधा आधे से ज्यादा काम गोल्ड लोन का ही है, तो कहीं ना कहीं मनापुरम को इसका फायदा है। तो ये थी मेरी मनापुरम में राय। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ऊपर को लेके, तो मैं बोलूंगा होल्ड करें। अगर ये 150 पे आए तो आप इसमें अपने पैसे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन 140 के नीचे जाए तो आप इसमें एग्जिट करना ही बेटर समझे। तो मेरा दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है आईजीएल। जैसा कि आप जानते हैं, आईजीएल को अगर आज आपने देखा हो तो आईजीएल में एक आज भयंकर गिरावट आई, और उस गिरावट की सबसे बड़ी जो मैं वजह आपको बताना चाहूंगा कि आज जो न्यूज आई है, वो ब्रोकरेज हाउस यूबीसी ने इसको कहीं ना कहीं 630 रुपए के टारगेट दिए थे, और वही यूबीसी ने आज इसको 400 रुपए के टारगेट दे दिए, और इसको कम से कम इतना तगड़ा डाउनग्रेड करा है। तो कहीं ना कहीं इनको डिमांड का इशू लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईजीएल ज्यादातर काम इनका दिल्ली में है, बाहर भी है बट दिल्ली में भी है, और दिल्ली में ईवी का जो आजकल आप सुन रहे हैं, ईवी वाहनों पे ज्यादा फोर्स करा जा रहा है, और केजरीवाल गवर्नमेंट ने भी अभी ईवी पे फोर्स करा जा रहा है, और उसी के बीच में चलते हुए कहीं ना कहीं सीएनजी का जो हमारा आईजीएल है उस पे डिमांड को लेके बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसको डाउनग्रेड करा गया है। तो अगर किसी ने ले रखा है तो मैं इसका चार्ट खोल के आपको एक बारी इसका चार्ट समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आईजीएल का चार्ट है, और इस चार्ट में उसमें पहले हाई लगाया 528 का, और 528 के बाद ये कोविड का टाइम था, इसमें अच्छी खासी गिरावट आई 300 रुपए की, और फिर दोबारा इसने एक नया हाई लगाया 600 का। और यहाँ आप देख सकते हैं एक एम पैटर्न, जिसमें मैं बहुत फोकस रखता हूँ, इसने एक एम पैटर्न बनाया, और इस एम पैटर्न के बाद इसने एक अच्छा खासा डाउन आया जो दोबारा इसको 322 पे लेके गया, और 322 के बाद इसने एक बार फिर 500 का हाई लगाया। आप नोटिस करिए, लेकिन आप नोटिस करिए अभी इसमें फिलहाल हायर हाई बनने की कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश भी फेल हो गई है। हायर हाई बने बने बने, और अब इसने इस हायर हाई को फेल कर दिया। अगर ये स्टॉक
कोई लेना चाहता है या कोई फंसा हुआ है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा इस स्टॉक से एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ये स्टॉक जब तक 450 के ऊपर आके सस्टेन ना करे ये स्टॉक बेकार है। और अगर इसका एक जो लास्ट सपोर्ट है वो इसका सपोर्ट अराउंड बनता है 380 के आसपास, ये लेवल टूटा तो मुझे तो इस स्टॉक से वैसे भी परहेज था और अभी भी परहेज है। तो जिसने ले रखा है मैं उसको यही सलाह दूंगा कि इस स्टॉक से दूर रहे। ये थी मेरी IGL को लेकर राय। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।